बीते समय अंदर जंडियाला दे डडुआणा विच जिहड़ी कि एक मसीही सभा चल रही थी उस विच भनतोड़ की गई सी। उस तो बाद कुछ दिन बाद ही पट्टी विखे चर्च विच भी भनतोड़ की गई है ते उस दे संबंध विच अज मसीही महासभा का आयोजन किया गया। बिशप बीके समंतरा ने साडे मौजूद ने गलबात कर लेने सर, जो मसीही महासभा की गई उस विच की विचार किया गया? एक तो है, हमने जो भी अभी हिंसात्मक कुछ कांड हुआ है उसका हमने खंडन किया, क्योंकि ये जो भाईचारे की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है और इसे नहीं होना चाहिए। ये भी हमने डिसाइड किया कि सबसे इम्पोर्टेंट है जो सिचुएशन अभी खराब हो रहा है, लोग हमारे रेस्टलेस हो रहे हैं, तो उसमें लोगों को एक मैसेज देना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमें बाइबल सिखाती है द प्रिंसिपल ऑफ लव एंड पीस, कि प्यार और शांति से काम करो, रिटेलिएट ना करो, हिंसा के बदले हिंसा ना करो, क्योंकि वो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू कि हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, सरकार के तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ऑलरेडी रखा है, बट उसका जो भी रिजल्ट वो चर्च को बताएं, कम्युनिटी को बताएं, पब्लिक को भी बताएं, ताकि जो रेस्टलेसनेस है वो ख़त्म हो, लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं। सो उसके पीछे क्या कारण है, किसने किया है, एंड एज पर लॉ जो भी है दंड विधान वो करो। जो अब तक की सरकार की या प्रशासन पुलिस की जो कारगुजारी है, क्या उसे आप संतुष्ट हैं, जो जांच की जा रही है अभी तक? अभी तो हम देख रहे हैं कि कम से कम जैसे कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने बयान दिया और इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है, पुलिस का भिन्न भिन्न जगह जितने भी चर्चेस हैं, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पर उन्होंने विजिट किया, पुलिस ऑफिसर खुद गए एसपी डीएसपी रैंक के और जाकर फोन नंबर दिया, इवन पुलिस पिकेट भी लगाए। सो हम तो देख रहे हैं कि देर इज सम एक्शन, पर जैसे कि आगे को कि जो कल्प्रिट्स को पकड़ना है और खासकर ये जो बयानबाजी, क्योंकि एज ए रिलीजियस लीडर मैं जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि उनके पीछे भी फॉलोअर्स हैं, तो इसको डिस्करेज करें, क्योंकि मेरे कहने पे कोई उसमें प्रोत्साहित होकर कुछ हिंसा करता है, आई शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि मुझे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मेरे कहने पे ये तोड़फोड़ हुआ, मेरे कहने पे किसी की हानि हुई, तो ये नहीं करना चाहिए। पर कारण क्या है ईसाई भाईचारे पर धर्म परिवर्तन के जो आरोप लगते हैं, एक धब्बा है, वो क्यों लगते हैं? ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये नहीं कि आज कोई किसी का धर्म परिवर्तन हो रहा है। आई मीन क्रिश्चियनिटी इंडिया में फर्स्ट सेंचुरी से है, ठीक है, और आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे सेंसस में, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी की कोई बढ़ोतरी हुई नहीं, तो किस बेसिस पर हम कह रहे हैं? पंजाब का स्टैटिस्टिक देखो, और धर्म जैसे कि एक निजी मामला है, जो कि खुद हो सकता है, वो किसी भी धर्म को वो बिलोंग करने के लिए डिसाइड ले सकता है, ये ह्यूमन राइट्स है। पर लालच और दबाव में आकर धर्म परिवर्तन करवाना, वो क्या समझते हैं, वो जायज़? वो तो डेफिनेटली मैं भी कंडेम करता हूँ, वो तो गलत है, कोई भी करे ना, उसके लिए देश का कानून है। कुछ स्टेट्स में उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल बनाया है, ऐसे भी जनरल कानून है, तो कानून के हिसाब से उसको दंड विधान किया जाए। और ऐसे लोग मैं तो उनको डिसाउन करूँगा, मैं कहूँगा कि नहीं, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ये नहीं सिखाते हैं किसी को ज़बरदस्ती क्या लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाओ, तो वो कैसे अपने आप को ईसाई कह सकते हैं? तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में जो जत्थेदार अकाल तख्त ने बयान दिया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनका काम है, मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा उसके ऊपर। मैं तो कह दिया कि कोई भी रिलीजियस लीडर, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, वी आर रेस्पॉन्सिबल पर्सन, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बयान दें, कम्युनिटी को जोड़ने की बात करें,
कम्युनिटी को डिवाइड करने की बात ना करें। अच्छा, इसको टाइम बाउंड कर रहे हैं, कोई सरकार को टाइम बाउंड कर रहे हैं या प्रशासन पुलिस को टाइम बाउंड कर रहे हैं, कितने समय में इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी? हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो डेफिनेटली जो भी चर्च के प्रतिनिधि हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट में हैं। हम देखना चाहते हैं कितने जल्दी हो, बिकॉज कैंडल पीस मार्च की बात कर रहे हैं, वो कितने तारीख को निकाला जाएगा? वो 3 तारीख इवनिंग को है, कल 2 तारीख है, 3 तारीख जो कि पंजाब में साधु सुंदर सिंह हैं उनका जन्मदिन है 3 तारीख को, तो उसी के साथ साथ हम कैंडल मार्च किया है। क्रिश्चियन भाईचारे को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज है कि पीस कायम रखो, और जो भी प्रशासन है और जो भी मैकेनिज्म है उसमें विश्वास रखो, अपने लीडर के ऊपर विश्वास रखो, और लीडर जो कहते हैं उसी के हिसाब से काम करो। जो बाकी गिरजाघर हैं उसकी सुरक्षा के लिए क्या सरकार को अपील करते हैं? डेफिनेटली आई मीन वो तो सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है, वो करें डेफिनेटली। बिल्कुल जी, इन्हें बिशप पी के समांतर आए तंदाजी आज एक महासभा जी आयोजित की गई, जिस विच पंजाब भर के गिरजाघर के मुखी जड़े ने वो शामिल होए ने, क्योंकि बीते दिन की गल करिए एक जंडियाला के डडुआणा में जी घटना वापरी सी, तो उस तो बाद पट्टी विच भी जी की भनतोड़ की गई गिरजाघर की, तो उस तो बाद क्रिश्चन कम्युनिटी विच रोष है, तो अज एक मीटिंग की गई है, उस विच कई तरह के विचार किए गए ने, और पंजाब सरकार तो अपील की गई भी जेडे भी दोषी ने इस घटना के उन्होंने छेती तो छेती जरा कि वो फड़ के गिरफ़्तार किया जाए, जेल अंदर दिता जाए। और दूजे पास क्रिश्चन भाईचारे भी अपील की गई है भी पंजाब अंदर शांति का माहौल जरा वो कायम रखा जाए। कैमरा परसन विपन शर्मा, सिकंदर पसरी, झा दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट, तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो, देश विदेश च बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकदे ने, घर बैठे 11 मिंटां च 101% गारंटी नाल समाधान, वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई, रुस्से नू मनाउणा प्यार मोहब्बत, बाबा यामीन बंगाली, 96435032321।